आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है फास्ट मनी में। मैं हूं आपके साथ सुमित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप। अच्छी बात है कि आखिरी कारोबारी दिन है और आप देखिए बदलाव ये है कि यूजुअली हम सुनते थे कि जो मिसाइल हम लोग की खबर आती थी, टेस्ट की खबरें आती थी, तो वीकेंड पे आती थी, लेकिन इस बार फ्राइडे पहले चला गया। तो ये एक बदलाव है। दिन पे थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी पावर ब्रेकफास्ट में, तो कह रहे थे कि हम आदि इन चीजों में, मतलब आदि तो है लेकिन वीकेंड पे आदि है। मंडे को रिएक्शन आने का आदि है, फ्राइडे को किस तरह का रिएक्शन होगा। और हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है, वैसे भी हम देखते हैं कि ज्यादा लोग जो है इसी डर की वजह से अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है उन्हें कैरी करना पसंद नहीं करते हैं। तो आज किस तरह का एक्शन होगा, सेंसेक्स निफ्टी तो आपके सामने है ही ऑलरेडी, करीब आधे परसेंट के आसपास ही। लेकिन एक अच्छी चीज ये भी है, संदीप अगर लॉन्ग नहीं कैरी करते तो शायद शॉर्ट भी कैरी ना करें। अगर बाजार गिरावट साथ खुलता है, कोई नई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होती है, तो हो सकता है आज ही वाइंड अप करके चले भी जाए सेकंड हाफ। हाँ, तो शॉर्ट तो नहीं कैरी करें क्योंकि अब एक्शन हो चुका है इस हफ्ते जी, तो हो सकता है ये एक अच्छी चीज रहे कि सेकंड हाफ तक आते आते मार्केट थोड़ा सा और रिकवर हो, रिबाउंड होते हुए दिखाई पड़े। बहरहाल अभी जो आंकड़े हैं वो आपको बताते हैं। इंटरनेशनल आंकड़े जिस तरह के हैं, 67 अंक नीचे भी एस निफ्टी कामकाज कर रहा है। शुरुआत में ये करीब करीब 30 अंक नीचे था, लेकिन गिरावट गहराई है और गिरावट गहराने के बाद 70 अंकों के आसपास की है। हालांकि जिस जगह पे जो मेजर टर्मोइल होना चाहिए था निकेई, वो हरे निशान में कामकाज कर रहा है। सबसे एस्टॉनिशिंग आंकड़ा है संदीप, जहां पर जिसके ऊपर से बलास्टिक मिसाइल अभी गया जापान मार्केट का, वहां पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन बाकी इंडियन मार्केट्स पे ओवर रिएक्ट कर रहा है। देखिए सुमित, 1/4% से ज्यादा की बढ़त थी निकेई में कुछ देर पहले, अब धीरे धीरे जो गेन्स है वो फिजल आउट हो रहे हैं। और रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले आप देखिए, स्ट्रेट टाइम्स देखिए, 0.5% के आसपास गिरावट है। पहले अगर आप देखें, अब से आधे घंटे पहले की बात करें, तो 1/4 से 0.5% तक के मैक्सिमम डेंट्स थे। लेकिन स्ट्रेट टाइम में देखिए और इनफैक्ट एसेक निफ्टी में भी देखिए, जो गिरावट है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आज एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये भी है कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। उसमें क्या फैसले निकल के सामने आते, क्योंकि याद हो आपको जब उन्होंने जो सेंक्शन से बढ़ाने की बात करी थी नॉर्थ कोरिया के ऊपर, उसी की जवाबी कार्रवाई में आज नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल फायर करी है। अगर फिर से कोई कड़ा या ठोस फैसला लिया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में और उसके ऊपर नॉर्थ कोरिया की नाराजगी आती है और ऐसा कोई एक्शन और आता है, तो ये जो डर ही अपने आप में है वो बाजार के लिए काफी हावी होगा नीचे की ओर लेके आने के। चलिए, लेकिन डोमेस्टिक नंबर्स फिर भी काफी ज्यादा हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। इसमें एडवांस टैक्स के नंबर्स भी आज आने वाले हैं, तो वो किस तरह के आंकड़े रहते हैं और घरेलू फ्रंट पे कैसे कैसे आंकड़े हैं उनको जरूर नजर रखनी होगी। बहरहाल अब कुछ शेयर जो आपको रेफर किए गए थे कल, यानी कुल खरीदारी या बिकवाली के सौदे बताए गए थे, उनके ऊपर नजर डालते हैं। सन फार्मा पहला नाम था, कल आपको खरीदारी के लिए बताया गया था, एक जोरदार तेजी इसमें देखने को मिली। इंडेक्स का शेयर उसके बावजूद भी 5% के आसपास की बढ़त एक समय में इसमें रही, लक्ष्य अचीव किया और उसके आसपास ही शेयर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्पेस से डिविस लैब भी दिया गया था, कल 5% का उछाल रहा। इनफैक्ट तीसरा दिन लगातार जब डिविस लैब में तेजी देखने को मिली और लक्ष्य भी अचीव होते हुए दिखाई पड़े। आज भी इस पर आप नजर रखें, इस पर डिविडेंड भी आज एक्स होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जुबिलेंट फूड कल एक एग्रेसिव कॉल में तरफ से दी गई थी, लक्ष्य अचीव हुआ और लक्ष्य अचीव होने के बाद उसके ऊपर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 1377 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पे 1377 रुपए के लेवल्स पे क्लोजिंग दी, 1370 रुपए का टारगेट यहाँ पर कल के सत्र में दिया गया था। इसके अलावा कुछ और कॉल्स यहाँ पे खरीदारी की राय दी गई, जिसमें ग्रेफाइट इंडिया 7% का उछाल यहाँ भी आता हुआ दिखाई पड़ा, 271-272 रुपए के लेवल्स पे इस शेयर ने क्लोजिंग दी। एक अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली। इनफैक्ट कल संदीप ने HEG दिया था, उसी के आधार पर मैंने ग्रेफाइट दिया था, दोनों शेयरों में जोरदार तेजी थी। HEG कल अपर फीस पे भी बंद होता दिखाई पड़ा, एक अच्छी तेजी यहाँ पर लक्ष्य से कहीं ऊपर इस शेयर कल क्लोज हुआ, 744-745 के स्तरों पर क्लोजिंग देखने को मिली। टाटा केमिकल ये एक कॉल थी संदीप की तरफ से, लक्ष्य अचीव हुआ और उसके बाद इस शेयर ऊपरी से थोड़ी बिकवाली के बाद बंद जरूर हुआ, लेकिन अच्छी तेजी यहाँ भी रही। थर्मैक्स भी 6% ऊपर, लक्ष्य से कहीं ज्यादा ऊपर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये वो सभी कॉल्स हैं जो कल के सत्र में आपको बताई गई थी खरीदारी के लिए और सब में ही एक जोरदार तेजी कल के सत्र में देखने को मिली है। आज खरीदारी के ज्यादा विकल्प है या बिकवाली भी लेकर आए? आज कुछ बिकवाली के विकल्प होंगे, बीते 4 दिन से लगातार हम 20-20 स्टॉक का खरीदारी के बता रहे हैं, लेकिन आज कुछ एक बिकवाली के ट्रेड्स होंगे। हालांकि जिस तरह से ये डर बढ़ रहा है और मैं जैसे कह रहा हूँ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक है, अगर उसमें कोई फैसला आता है उसको ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा था कि ज्यादा सेल लेके चलूँ, लेकिन कुछ ज्यादा मिले नहीं है। और शुरुआत में इनफैक्ट एक तेजी के सौदे के साथ ही करना चाहूंगा, PG इलेक्ट्रोप्लास एक शेयर है जिसके कल बदा बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं और नंबर्स के दम पे मुझे लगता है कि आज एक बड़ा उछाल इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट कुछ ऐसी पॉकेट जहां पे आज के बाजार में भी अगर आपको तेजी करनी है तो ऐसे कुछ ठोस रीजंस होने चाहिए या तो फिर नंबर्स अच्छे होने चाहिए जिसके बेसिस पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। इस कंपनी का मुनाफा 83% बढ़ा है, 1.2 करोड़ से बढ़कर 2.2 करोड़ रहा है, तो अच्छे नंबर्स के दम पे हो सकता है आज इस काउंटर में गेंस बनते हुए दिखें। आज के लिए जो टारगेट प्राइस होगा वो 374 रुपए का होगा, 362 ये आपका दिन के दौरान स्टॉपर्स होना चाहिए। इसके अलावा फार्मा आज हो सकता है फिर से लाइमलाइट में रहे, कल तो अच्छे
अच्छी खासी तेजी कई सारे स्टॉक्स में थी लेकिन आज अगर बाजार में गिरावट आती है तो एक जो डिफेंसिव बाइंग है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर के लिए काम करेगी। इफ्का लैब्स में वैसे भी अगर आप देखें जो पूरे सेक्टर में तेजी आई है उसमें बहुत बड़ा जो पार्टिसिपेशन है इस काउंटर में नहीं देखने को मिला। और कुछ एक्सपर्ट से मेरी बातचीत हो रही, वो कह रहे थे कि अगर डिवीज में जिस तरह का मूव देखने को मिला है हो सकता है ऐसा एक जो मूव है वो शायद इफ्का जैसे काउंटर्स में भी आते हुए देखें, क्योंकि इस काउंटर का अगर आप 52 वीक हाई देखें 650 रुपये के ऊपर का है वहाँ से अब भी करीब 40% डिस्काउंट पे काउंटर अवेलेबल है। तो हो सकता है कि अगर बाजार में गिरावट बढ़ती है या तो फिर फार्मा में फिर से फोकस बढ़ता है तो इफ्का लैब में तेजी बढ़ती हुई दिखेगी और 488 तक के जोन इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए 472 ये आप इंट्राडे बेसिस पर स्टॉप कर सकते हैं। चलिए पहले दो शेयर जो मेरी तरफ से, उसमें पहला नाम है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, खरीदारी की वजह भी है कि कंपनी की बिक्री के आंकड़े आए हैं और अगस्त में 18% कंपनी की बिक्री बढ़ी है। कुल बिक्री करीब 91,000 टन पहुंच गई है वाईवाई बेसिस पे ये नंबर्स हैं, जिसमें 18% का एक उछाल देखने को मिला है। तो एक अच्छे सेल्स के नंबर आए हैं और सेल्स के नंबर्स के आधार पर आप इसमें कुछ तेज़ी की उम्मीद लगा सकते हैं। तेज़ी मिलती है तो 64.50 रुपये आपके लिए टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आप 61 रुपये का रखेंगे और करीब करीब 62 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। तो आप खरीदारी कर सकते हैं, 64.50 का टारगेट रख सकते हैं। दूसरा नाम जो रखा चुना गया है वो है ओमकार स्पेशलिटी का। चुनने की वजह भी है कि सेबी ने लासा सुपरजेन की लिस्टिंग को मंजूरी दी है। लासा सुपरजेन जो है वो कंपनी की सब्सिडरी है और इसकी अगर लिस्टिंग होती है तो उससे कंपनी के लिए वैल्यू अनलॉकिंग जो है वो ज़रूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। एक अलग से इसकी एक नई एंटिटी लिस्ट होगी तो वैल्यू अनलॉकिंग के आधार पर हो सकता है कुछ और तेज़ी आते हुए दिखाई पड़े। करीब 90 रुपये के टारगेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर तेज़ी मिलती है तो, और 86 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 87.25 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। अगला शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो भी खरीदारी का ट्रेड है, आईबी वेंचर्स, जिसे आप इंडियाबुल्स वेंचर्स के नाम से भी जानते हैं। इस काउंटर में अगर देखिए कल भी करीब 7-8% के आसपास का मूव था। कल की तेजी के बावजूद आज इसे चुनने की जो वजह है वो दरअसल ये है कि सीएलएसए ने अपने जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसमें कुछ बदलाव किए हैं और उसमें जो इंडियाबुल्स वेंचर्स है उसके लिए 3% का जो एलोकेशन है उसमें वृद्धि की गई है। 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके लिए 1% के आसपास का जो वेटेज है उसमें कटौती की गई है और इंडियाबुल्स वेंचर्स में जो खरीदारी है वो की जाएगी। तो मॉडल पोर्टफोलियो में जिस तरह से बदलाव हुए हैं ये इसका वेटेज बढ़ता हुआ दिखा है। हो सकता है कल का जो अपमूव है आज भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखे। आज 290 रुपये का टारगेट प्राइस होगा, 281 रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा OMCs यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कल हमने देखा था परसों की जो बड़ी गिरावट हुई थी इस एंटीसिपेशन में कि हो सकता है कि आने वाले जो फ्यूल प्राइस हाइक्स हैं उनको ये खुद कंपनी अब्सॉर्ब कर सकती हैं, ऐसी खबरें सरकार की ओर से आ सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आया। परसों जो धर्मेंद्र प्रधान की ओर से यानी कि ऑयल मिनिस्टर की ओर से बयान आए तो उसके बाद कल हमने पूरे ही OMCs में परसों की बड़ी गिरावट के बाद एक रिकवरी आती हुई दिखी। ये काउंटर सबसे बड़ी अगर आप देखें ये कंपनी है रिफाइनिंग स्पेस में जहाँ तक OMCs की बात है और कल करीब 1% के आसपास ही गेंस थे। मुझे लगता है कि वो जो डर है वो पूरी तरह से छट चुका है कि अब इनके पास जो प्राइसिंग पावर है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर से हो सकता है कि सेक्टर रेगुलेट होता हो दिखे। तो हो सकता है अगर बाजार में कुछ पॉकेट्स में अगर खरीदारी बननी है तो ऐसी ही पॉकेट्स होंगी जो कि बहुत स्ट्रांग रही हैं बीते कुछ दिनों में और जिनके फंडामेंटल्स बेहद मजबूत है, क्योंकि एंटीसिपेशन ये भी है कि Q2 के जो नंबर्स हैं इस पूरे स्पेस के काफ़ी मजबूत रह सकते हैं जैसा कि रिपोर्ट में ब्रोकिंग हाउसेस कह भी रही हैं। आज के लिए बहरहाल IOC में 430 का टारगेट लेकर खरीदारी करें, 416 रुपये का स्टॉप लॉस है। एग्रेसिव कॉल लेकर आए संदीप आप IOC एक कहो, अगर आज कुछ भी मूव आता है या फिर कुछ भी तेल कंपनियों में उठा पटक होती है तो ये बहुत एग्रेसिव कॉल के तौर पर गई। तो निफ्टी का स्टॉक, दूसरा OMC जो कि इतनी ज़्यादा न्यूज़ फ्लो में भी है। बिल्कुल, इनफैक्ट अगर आप देखिए परसों गिरावट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, 5-5, 6-6, 8-8% स्टॉक गिरे थे केवल इसी डर से कि सरकार कुछ ऐसा ना कह दे कि इनका जो रनअप शुरू हुआ था इस एंटीसिपेशन में कि सेक्टर डीरेगुलेट हो चुका है, इनके पास प्राइसिंग पावर है, मार्केटिंग मार्जिन बहुत अच्छे इन्जॉय कर रहे हैं, GRMs वैसे ही इंप्रूव हो रहे हैं और क्रूड अगर इन्हीं लेवल्स के आसपास रहता है तो इनके लिए और भी अपने आप में काफ़ी बड़ा आइसिंग ऑन द केक हो सकता है। तो वो जो डर है वो शायद मुझे लगता है धीरे धीरे खत्म होगा क्योंकि सरकार ऐसा कुछ करेगी नहीं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है ONGC को अपना जो IOC में स्टेक बेचना है शायद उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि HPCL का जो एक्विजिशन है वो काफ़ी बड़ा बायआउट है। चलिए तो आपको नजर रखनी होगी OMCs में और पर्टिकुलरली IOC के ऊपर आप नजर रखें। अब दो नंबर्स के आधार पर शेयर चुने हैं मैंने, पहला नाम जो है वो है तलवरकर्स का। तलवरकर्स के कल नंबर्स आए थे और नंबर मार्केट आज के बिल्कुल एंड में आए थे, 5.5 करोड़ से बढ़ के 7 करोड़ रुपए ये तलवरकर्स का मुनाफा कल के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा और आय 45 करोड़ से बढ़ के 51 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आई है। तलवरकर्स ने रिसेंटली कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं जो अभी मटेरियलाइज नहीं हो पा रहे हैं लेकिन हाँ अगले क्वार्टर के अंदर वो भी आते हुए दिखाई पड़ जाएंगे।
इसी आधार पर चुना गया है। 297 रुपए का आप टारगेट रख सकते हैं, 288 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 289 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा गुफिक बायोसाइंसेज, इसके भी नंबर्स आए हैं, नंबर्स के आधार पर ही इसको चुना गया है। मुनाफा 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर कंपनी का आया है। आय 60 करोड़ से बढ़ के 64 करोड़ रुपए के करीब आते हुए दिखाई पड़ी है। और कंपनी के तीन मेजर बिजनेस जो है उसमें से बल्क ड्रग सेगमेंट जो है वो बेहतर कामकाज करके गया और उसमें 3 गुना के आसपास का उछाल आया है। वाई बेसिस पे नंबर्स हैं जिनमें करीब 3 गुना का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छे नंबर्स आए हैं और इन नंबर्स के आधार पे हो सकता है इस शेयर में तेजी देखने को मिले। 72 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस रखें 68.50 रुपए का, करीब करीब 69 रुपीज शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। 72 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए तो 8 शेयर आपको बताए गए हैं। अच्छी बात यह है कि आज संकेत थोड़े से नर्म है लेकिन उसके बावजूद भी सभी ट्रेड्स अभी तक खरीदारी के बताए गए हैं। और अब बात करते हैं आज के ईपीएस शेयर की। ईपीएस शेयर के तौर पे मैंने आज कंपनी चुनी है उजास एनर्जी। इसको चुनने की 2-3 वजह हैं। पहले तो एक कंपनी को ऑर्डर मिला है सोलर पैनल को लेकर, SECI से ऑर्डर मिला है, करीब 20.3 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला है। और OIL से करीब 500 किलोवाट के सोलर EPC प्रोजेक्ट के लिए भी कंपनी को ऑर्डर मिला है। रफली WBREDA यानी कि वेस्ट बंगाल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से भी करीब करीब 150 सोलर पैनल लगाने के लिए ऑर्डर मिला है। तो सोलर पैनल को लेकर कंपनी को कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, एक ट्रिगर तो ये हो गया। दूसरा, एक रिपोर्ट आई है कुछ विदेशी ब्रोकरेज हाउस की, उनका यह मानना है कि ग्रीन एनर्जी जो है वो आने वाले समय में एक बड़ा चेंज करेगी इकोनॉमीज के अंदर अलग अलग देशों में, और भारत और चाइना जो है वो वेल पोजिशन है इस इकोनॉमी अगर ऐसे कोई बदलाव होते हैं तो। ग्रीन एनर्जी में यानी कि हर तरह की जो भी जो तरीके की एनर्जीज हैं जिसमें वाटर बेस्ड या फिर सोलर बेस्ड जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन कंपनीज को या फिर उससे रिलेटेड कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा। ये कंपनी एंसिलरी प्रोवाइड कराने में है सोलर स्पेस के लिए, तो ये कंपनी को भी ऑर्डर डिस्पेंस जो होंगे वो होते हुए दिखाई पड़ेंगे गोइंग फॉरवर्ड भी। और जैसे जैसे एक्सपैंड हो रहा है ये पूरा स्पेस, इस कंपनी के लिए एक अच्छे एवेन्यूज आने वाले समय में देखे जा रहे हैं। आप 26 रुपए के टारगेट्स यहां पे देख सकते हैं तमाम ट्रिगर्स के आधार पर। 24 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, 24.70 का एक प्रीवियस डे का भाव है। क्योंकि शेयर में कल एक बड़ा मूव आ चुका है इसलिए स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, टारगेट्स को आप तेजी के समय पर रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन 26 रुपए पहला टारगेट आपके लिए रहेगा। मेरी तरफ से जो ईपीएस शेयर है वो आज के लिए वो है एलटी फूड्स का। देखिए चावल शेयरों में कल लेटर ऑफ द डे में हमने काफी अच्छे गेन्स बनते हुए देखे थे। इनफैक्ट अगर आप देखें एलटी फूड्स के अलावा कोहिनूर फूड्स था जिसमें हमने 10% से ज्यादा का जो आप मूव है वो बनते हुए दिखा था इस स्टॉक में, तो कल 4-5% तक के जो मूव्स हैं वही देखने को मिले। तो हो सकता है कि एक जो कैचअप रैली है कोहिनूर के तरह ही इस काउंटर में भी आज देखने को मिल सकती है। वैसे भी अगर आप देखिए इस पूरे स्पेस के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर बाजार में खरीदारी होनी है तो कुछ ऐसे ही पॉकेट्स में होगी जहां पे फंडामेंटल्स बेहद मजबूत है, नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। और इस कंपनी के भी Q1 के नंबर्स अगर आप देखें तो सिक्वेंशली 10-15% के आसपास के मुनाफे में गेंस देखने को मिले थे। एक्सपोर्ट डिमांड वैसे भी काफी मजबूत है और हाल फिलहाल इस कंपनी ने एक रॉटरडैम नीदरलैंड्स में अपना एक नया जो राइस प्रोसेसिंग प्लांट है वो शुरू किया है जहां से आय का करीब 10% के आसपास का हिस्सा देखने को मिलेगा। GST को लेकर भी कोई बड़ी खराब खबर इस पूरे स्पेस के लिए नहीं देखने को मिली थी, तो उसका भी अगर आप देखें तो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन इस पूरे स्पेस में देखने को मिला है। मुझे लगता है कि कल जिस तरह से लेटर ऑफ द डे से रैली शुरू हुई है और जिस तरह के अच्छे नंबर्स की उम्मीद है Q2 में भी, हो सकता है कि चावल शेयरों में जो गेंस है आने वाले समय भी बढ़ते हुए दिखे। वैसे भी पूरे स्पेस में अगर आप देखें वैल्यूएशन वाइज ये काउंटर सबसे अच्छा सबसे बेहतर आकर्षक नजर आ रहा है। तो एलटी फूड्स में हो सकता है कि कल की तेजी के बाद आज अगर मोमेंटम फिर से जारी रहा तो 77 तक के जोन्स देखने को मिलेंगे, 69 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इनफैक्ट एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है संदीप, इस कंपनी के जो नंबर्स हैं ये आने वाले सीजन में फेस्टिव सीजन में बहुत हाई इन डिमांड रहता है। जैसे ही कंपनी चावल बनाती है, लेकिन इनके वन ऑफ द बिजनेस है कि ये कुरकुरे बनाते हैं और ये कुरकुरे पेप्सिको के लिए बनाते हैं और मेजर इंडिया में सप्लाई है, पैकेजिंग नहीं उसे बनाते भी इनके गुड़गांव प्लांट में। रिसेंटली मैनेजमेंट आई थी गुड़गांव में उनसे, सोनीपत में जो इनका प्लांट है, हरियाणा प्लांट में सॉरी, तो जो भी मैनेजमेंट आई थी उनसे बात हुई थी कि पैकेजिंग तो करते ही है पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। अच्छा, तो अब जैसे जैसे दिवाली आएगी बतौर पैकेजिंग बतौर गिफ्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कुरकुरों का, तो उसके हिसाब से कंपनी के प्रोडक्ट्स की अच्छी डिमांड की उम्मीद भी है। तो एलटी फूड्स पे आप अदरवाइज भी नजर रख सकते हैं, ये भी एक ट्रिगर रह सकता है। बहरहाल जो 5 शेयर मेरी तरफ से दिए गए हैं उसमें पहला नाम है सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मैंने चुना है 64 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, नंबर्स आए कंपनी के। ओमकार स्पेशलिटी करीब 90 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 86 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। तल वर्कर्स जो कि 297 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 288 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। गुफिक बायोसाइंसेज करीब 72 रुपए के टारगेट्स
के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 68.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और उजास एनर्जी ईपीएस शेयर के तौर पर मैंने चुना है। 26 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 24 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। पीजी इलेक्ट्रो प्लस पे आप नजर रख के चलें, कल नंबर्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद 83% मुनाफा बढ़ा, 374 के टारगेट लेके खरीदारी कर सकते हैं। इपका लैब्स फार्मा शेयरों में काफी अच्छे गेंस देखने को मिले हैं, इसने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, आज हो सकता है कि एक्शन बढ़ता हुआ दिखे, 488 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। इंडिया बुल वेंचर्स सीएलएसए ने मॉडल पोर्टफोलियो में बदलाव किया और इसमें वेटेज बढ़ाया है 3%, हो सकता है आज भी तेजी रही तो 290 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। ओएमसी से आईओसी को मैंने चुना है, देखिए कल रिकवरी शुरू हुई थी ओएमसी पैक में, आज हो सकता है कि तेजी बढ़ती हुई दिखे, 430 रुपए का टारगेट प्राइस होगा आईओसी में। और बतौर ईपीएस एलटी फूड्स को मैंने शामिल किया है, आज 77 का टारगेट प्राइस होगा, 69 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए 10 शेयर आपको अभी तक बताए गए हैं और सभी के सभी शेयर जो है वो खरीदारी के लिए बताए गए हैं।